हे हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बैटरीज के बारे में। देखो, ये जो टॉपिक है वो कोविड के चलते सिलेबस से कैंसिल कर दिया गया है, मतलब डिलीट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जो भी सिलेबस डिलीट भी कर दिया गया है, जो सिलेबस में है, वो सारे टॉपिक हम केम क्लासेस पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बैटरीज के बारे में। बैटरीज क्या होते हैं? इफ़ ए नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कम्बिनेशन इज नोन एज बैटरी। आपको पता है ये सेल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, इसे हम सेल बोलते हैं। ये सेल का सिंबल है। जब ऐसे बहुत सारे सेल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो बैटरी बन जाता है। बैटरी एक सिंगल सेल की भी होती है, इसको भी बैटरी बोलेंगे। ये एक सेल की बैटरी है। ऐसे अगर एक सेल और दो सेल को आपस में कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ये भी बैटरी है, ये दो सेल्स की बैटरी है। बैटरी तीन सेल, चार सेल, कितनी भी हो सकती है इस तरह। तो ये बैटरीज है, मतलब सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। ये बैटरी होता है। और बैटरी में जो सेल यूज होता है वो मेनली गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक या फिर कहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ चुके अब तक, आपको पता होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन होती है जब भी रिएक्टेंट्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं। तो जो बैटरीज है उसमें जो सेल यूज होते हैं वो गैल्वेनिक सेल होते हैं या फिर कई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब इनमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और जो बैटरी है इट मस्ट बी लाइट वेट होनी चाहिए, बैटरी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट का मतलब है इजिली पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह इजिली ले जाया जा सके जिसको। एंड वोल्टेज शुड नॉट वेरी अप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज। जब उसको यूज किया जाए बैटरी को, तो उसकी वोल्टेज में जो चेंज आता है वो ज़्यादा नहीं आना चाहिए थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। तो प्रैक्टिकल यूज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है किसी भी बैटरी की। बैटरीज मेनली टू टाइप्स की होती है, वन इज प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी बैटरीज। इन प्राइमरी बैटरीज रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड इट बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम एंड कैन नॉट बी यूज अगेन। मतलब ये वो होते हैं जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन एक बार ही होती है और कुछ टाइम के बाद ये बैटरीज डेड हो जाती है, इनको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। जैसे घड़ियों में जो बैटरी यूज होती है, जो सेल यूज होते हैं, रिमोट के जो सेल यूज होते हैं, तो उनमें जो बैटरी है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डेड हो जाती है और फिर उनको दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी बैटरी होती है, दीज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट एंड कैन बी यूज्ड ओवर एंड अगेन। इनको इलेक्ट्रिक सप्लाई देके इनको रिचार्ज किया जा सकता है और इनको बार बार यूज किया जा सकता है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी होगी, फोन की बैटरी होगी। जो रिचार्जेबल बैटरी है दे आर नोन एज सेकेंडरी बैटरीज, और जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज है दे आर नोन एज प्राइमरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज हमारे सिलेबस में दो तरह से दो गिवन है, दो टाइप की प्राइमरी बैटरीज। एक है ड्राई सेल एक प्राइमरी बैटरी है एंड सेकेंड वन इज मर्क्यूरी सेल। तो आज के वीडियो में हम प्राइमरी बैटरीज के इन दोनों टाइप के सेल को स्टडी करेंगे, ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल। तो सबसे पहले देखते हैं ड्राई सेल क्या होता है। उससे पहले ये देख लेते हैं, जो ड्राई सेल है उसको लेलांजे सेल भी बोलते हैं और मर्क्यूरी सेल को रुबेन मेलोरी सेल भी बोलते हैं। ये जिन्होंने भी ये डिस्कवर किया इनके नेम के बेसिस पे, इनके डिस्कवरर के नेम के बेसिस पे इनका नाम दिया हुआ है। और जो ड्राई सेल मर्क्यूरी सेल है बेसिकली हमें यही नाम यूज करते हैं, लेलांजी और रुबेन मेलोरी सेल। ये वर्ड बहुत कम यूज होता है, मेनली हम ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल ऐसे यूज करते हैं। तो अब देखते हैं ड्राई सेल क्या होता है। ड्राई सेल है, इट इज यूज इन ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स, ट्रांजिस्टर और घड़ियों में यूज होता है। द ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर दैट एक्ट एज एनोड। एक जिंक का कंटेनर होता है, एक जिंक का कंटेनर होता है जो एनोड की तरह एक्ट करता है। एक ग्रेफाइट रोड या फिर कार्बन रोड भी बोल सकते हैं, कि ग्रेफाइट कार्बन का ये कैलोट्रोप है। ग्रेफाइट रोड प्लेस्ड इन द सेंटर एक्ट एज कैथोड। सेंटर में एक ग्रेफाइट की रोड होती है, दैट इज एक्ट एज कैथोड एंड इट डज नॉट टच विद बेस। क्योंकि अगर बेस के साथ टच करे तो ये तो जिंक का कंटेनर है, तो जिंक एनोड है, ये कैथोड है, तो दोनों टच हो जाएंगे आपस में। तो ये सेंटर में प्लेस होती है, बट इट डज नॉट टच विद बेस। कैथोड इज सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन। ये जो कैथोड है ग्रेफाइट रोड, इट इज सराउंडेड बाय मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन।
एंड द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विद पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड. दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो स्पेस है इट इज फिल्ड विद पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड. द जिंक कंटेनर इज कवर्ड विद एन इंसुलेटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एटमोसफेयर. जो साइड से जिंक कंटेनर है इट इज कवर्ड विद इंसुलेटर कवरिंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एटमोसफेयर. एंड द ग्रेफाइट रोड इज फिटेड विद ए मेटल कैप. जो ग्रेफाइट की रोड है इट इज फिटेड विद अ मेटल कैप एट द टॉप एंड द कंटेनर इज सील्ड एट द टॉप विद पिच. और ऊपर से जो कंटेनर उसको ऐसे सील किया होता है. कैसे है देखो, एक जिंक का कंटेनर है उसको बाहर से जो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है जिंक, और बाहर से उसको इंसुलेटर कवरिंग की हुई है ताकि वो साइड से की हुई है बस ताकि वो एनवायरमेंट से के कॉन्टेक्ट में ना आ सके. उसको बचाने के लिए, एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए इंसुलेटर कवरिंग की हुई है. बीच में एक ग्रेफाइट की रोड है जो कैथोड की तरह एक्ट कर रही है. एंड कैथोड इज सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन. एंड द स्पेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड विद पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड. जिंक एक्ट एज एनोड, ग्रेफाइट एक्ट एज कैथोड. तो ये क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज नेगेटिव पोल एंड कैथोड इज पॉजिटिव पोल. तो ये हमारा पूरा सेटअप होता है ड्राई सेल का. अब हम देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होती है एनोड और कैथोड पे. एनोड पे जिंक है, जिंक की बनी हुई एनोड, तो जिंक का एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एनोड पे. तो ये होगी हमारी एनोड की रिएक्शन. जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. एट कैथोड पे ग्रेफाइट तो इंसुलेटर इलेक्ट्रोड होती है, तो हमारा जो मैग्नीज ऑक्साइड है यहाँ पे जो फील्ड है मैग्नीज ऑक्साइड, ये रिएक्ट करेगा कैथोड पे. ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक बार समझने की कोशिश करना. मैग्नीज ऑक्साइड और क्योंकि अमोनियम क्लोराइड भी है तो अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2O3 में. ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये Mn2O3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, प्लस अमोनिया या NH4+ है, अमोनिया एंड वाटर इसमें कन्वर्ट हो जाता है. ये रिएक्शन होती है कैथोड पे. एनोड की तो सिंपल है, पर जो कैथोड की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक दो बार लिख के देखोगे तो समझ आ जाएगा, याद हो जाएगी. तो एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे आएगा 2, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके उस तरह से. तो ये हमारी रिएक्शन होती है कैथोड पे. मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम आयन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं Mn2O3, अमोनिया और वाटर में. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैग्नीज है इट इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो X+2 × −2, ऑक्सीजन का −2 होता है 0, तो X −4 = 0, X = +4. तो यहाँ पे मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज +4, और यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो 2x मैग्नीज के लिए +3 × −2, ऑक्सीजन का =0, कोई चार्ज नहीं है. तो जाएगा 2x − 6 = 0, x की वैल्यू आएगी +3. तो यहाँ पे मैग्नीज का रिडक्शन हुआ है कैथोड पे, मैग्नीज का रिडक्शन हुआ है +4 से +3 में. यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे मैग्नीज का रिडक्शन हुआ है. तो ये है हमारी रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड. यहाँ पे जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है ये गैस में कन्वर्ट नहीं होता, गैस के फॉर्म में लिबरेट नहीं होता, बट ये कंबाइन हो जाता है जो जिंक आयन्स है उनके साथ और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. अमोनिया फॉर्म्ड इज नॉट लिबरेटेड एज गैस बट कंबाइन्स इमीडिएटली विद जिंक आयन एंड क्लोराइड आयन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स जिंक अमोनिया 2 एंड क्लोरीन 2. तो इसका जो नेम होता है ये आप जो आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर होगा उसमें बहुत अच्छे से सीखोगे, लेकिन अभी देख लेते हैं. इसमें दो अमीन ग्रुप है तो यह आएगा डाइक्लोरिडो जिंक. ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है डाइअमीन डाइक्लोरिडो जिंक. तो अमोनिया है वो गैस के फॉर्म में लिबरेट ना होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है. जो ड्राई सेल का जो सेल पोटेंशियल है ये अबाउट नियरली इक्वल होता है 1.5 वोल्ट के. इट इज नियरली इक्वल टू 1.5 वोल्ट. द सेल पोटेंशियल ऑफ ड्राई सेल इज नियरली इक्वल टू 1.5 वोल्ट. इसका जो लाइफ टाइम है वो शॉर्ट होता है क्योंकि जो जिंक का कंटेनर है ये कोरोड हो जाता है, इसका कोरोजन हो जाता है ड्यू टू एसिडिक
अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है, उसकी वजह से जो जिंक का कंटेनर है वो कोरोड होने लग जाता है, उसका कोरोजन हो जाता है, तो इसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है, और एक बार डेड होने के बाद इसको दोबारा से रीयूज नहीं किया जा सकता। तो ये है हमारा ड्राई सेल। नेक्स्ट है हमारा मर्करी सेल। मर्करी सेल क्या है, इट इज सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइस, ऐसे डिवाइस जिनमें कम अमाउंट में करंट यूज होता है उनके लिए सुटेबल है। हियरिंग एड्स और वॉचेज, जैसे हियरिंग एड्स क्या है, जो सुनने की मशीन होती है, कानों में लगाई जाती है सुनने की मशीन, उसमें यूज होता है। वॉच मतलब घड़ियों में जो रिस्ट वॉच होती है, कलाई घड़ी, उसमें जो छोटे छोटे सेल्स यूज होते हैं वो मर्करी सेल होते हैं। बेसिकली देखो ऐसे छोटे छोटे अलग अलग डिफरेंट साइज के होते हैं। इसका सेटअप क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर विच एक्ट एज एनोड, एक जिंक का कंटेनर है जो एनोड की तरह एक्ट करता है, और एक कार्बन ग्रेफाइट रोड है जो कैथोड की तरह एक्ट करती है, बीच में होती है सेंटर में एक कार्बन या फिर ग्रेफाइट की रोड होती है जो कैथोड की तरह एक्ट करती है। एंड ए पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिक्स्ड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HGO का एक पेस्ट होता है जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होता है। ये पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन है मर्करी सेल की। अब हम देखते हैं कि इसमें रिएक्शंस किस तरह से होते हैं एनोड और कैथोड पे। एनोड हमारा जिंक का बना हुआ है, तो एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिंक क्या कन्वर्ट हो जाता है जिंक आयन्स में और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि जो जिंक है सॉलिड फॉर्म में है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो हाइड्रोक्साइड आयन है उनके साथ ये रिएक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में और प्लस वाटर और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ये रिएक्शन होती है एक्चुअल में, जिसको हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है फ्रॉम 0 to +2 विद आफ्टर रिएक्टिंग विद 2 हाइड्रोक्साइड आयन। तो वाटर मिलता है और दो इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ये रिएक्शन होती है एट एनोड एंड एट कैथोड। कैथोड पे भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैथोड पे क्या होता है, मर्क्री मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वाटर यहाँ पे जो वाटर बना ये, और दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कन्वर्ट हो जाता है मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में मर्क्यूरी एंड +2 हाइड्रोक्साइड आयन, 2 हाइड्रोक्साइड आयन। कुल मिला के क्या हुआ, यहाँ पे मर्करी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे मर्करी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कुल मिला के क्या हुआ कि जो मर्करी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इनटू मर्करी, लिक्विड मर्करी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, और कैथोड पे मर्करी का रिडक्शन होता है। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें इसके लिए, ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम ये दो इक्वेशन लेके चलेंगे, ये वाली और ये वाली। तो अगर जो चीज़ें सेम है उनको हम कैंसिल कर देते हैं, इधर H2O इधर H2O कैंसिल हो गया, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, दो हाइड्रोक्साइड आयन से दो हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल हो गए। तो बचा क्या है, जिंक सॉलिड फॉर्म में इधर और मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये कन्वर्ट हुआ है जिंक ऑक्साइड एंड मर्करी इन लिक्विड फॉर्म। तो ये रिएक्शन हुई है ओवरऑल हमारी इन मर्करी सेल। मर्करी सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो 1.35 वोल्ट के इक्वल होता है, 1.35 वोल्ट कम होता है ड्राई सेल से। ड्राई सेल का नियरली 1.5 वोल्ट था, इसका 1.35 वोल्ट होता है सेल पोटेंशियल, ये याद रखने की चीज है। सेल पोटेंशियल ऑफ मर्करी सेल इज 1.35 वोल्ट एंड इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये जो पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल, ये कॉन्स्टेंट रहता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, क्योंकि जो ओवरऑल रिएक्शन हमने लिखी है इसमें कोई भी आयन्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता थ्रू आउट द लाइफ टाइम, तो इसलिए इसका जो सेल पोटेंशियल है वो भी कॉन्स्टेंट रहता है। सेल पोटेंशियल डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन पे, अब कंसेंट्रेशन ही चेंज नहीं होगी किसी चीज की, तो जो सेल पोटेंशियल है वो भी चेंज नहीं होगा, तो सेल पोटेंशियल इसमें कॉन्स्टेंट रहता है। हम ये लिख सकते हैं, सेल पोटेंशियल रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सोल्यूशन हुज कंसेंट्रेशन कैन चेंज। मतलब कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है जिसकी कंसेंट्रेशन चेंज हो सके, तो कंसेंट्रेशन सेम रहती है तो सेल पोटेंशियल भी सेम रहता है। सेल पोटेंशियल और कंसेंट्रेशन का रिलेशन हम नॉन स्टिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, सेल पोटेंशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, अगर कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो सेल पोटेंशियल भी सेम रहेगा।
एक नोट डाल के एक बात और लिखनी होती है इसमें कि आफ्टर यूसेज, जब ये यूज हो जाता है, डेड हो जाता है मर्करी सेल, देन इट मस्ट बी रिप्रोसेस्ड फॉर मर्करी रिकवरी. इसको रिप्रोसेस करना चाहिए, मतलब ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो मर्करी है वो एक टॉक्सिक मटेरियल है, ये पोल्यूशन कॉज करता है. इट मस्ट बी ट्रीटेड टू प्रिवेंट मर्करी फ्रॉम एंटरिंग द एटमोसफेयर बिकॉज इट इज टॉक्सिक एंड कॉज पोल्यूशन. मर्करी टॉक्सिक है और पोल्यूशन कॉज करता है, इसलिए इन जब ये यूज हो जाए और डेड हो जाए तो ये नहीं है कि इनको हम ऐसे ही फेंक दें, इनका एक पर्टिकुलर तरीके से इनकी रिप्रोसेसिंग होनी जरूरी होती है. तो ये हो गई हमारी प्राइमरी बैटरी, जिसमें हमने ड्राई सेल पढ़ा, मर्करी सेल पढ़ा. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी जो हमारे सिलेबस में, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.